चलिए सर, अगला क्वेश्चन लोकेंद्र वर्मा का ही है। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे ऑर्चर्ड में रूट रॉट, कॉलर रॉट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और साथ में रूट बोरर भी बहुत ज्यादा है। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज करें और इसकी ड्रेंचिंग का सही टाइम बताएं और कितनी बार ड्रेंचिंग करें। तो ये इस तरह का इनका क्वेश्चन है कि रूट रॉट भी है और कॉलर रॉट भी है और रूट बोरर भी है। ये तो, क्योंकि रूट रॉट कॉलर रॉट, पहले तो इनको दोनों को पहचानने का है कि आपके रूट रॉट ही है या कॉलर रॉट है या रूट बोरर है। ऐसे कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं करना है और इसमें सर ये। सेम क्वेश्चन सुनील वर्मा जी का कि रूट को रॉट किस कारण होता कौन सा? है, रूट रॉट किस कारण होता है। अच्छा, रूट रॉट किस कारण? हाँ, वो मैं सारी बात करूंगा सर। तो इनको पहचान के लिए आपको थोड़ा सा एक बड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो रूट रॉट जो है ये एक फफूंद से होता है जिसका नाम है डिमेटोफोरा नेकेट्रिक्स, ठीक है। तो रूट रॉट जो है उसमें क्या होता है कि जो ऊपर के पत्ते हैं वो छोटे संख्या में कम हो जाएंगे, बल्कि उनकी संख्या कम हो जाएगी, आकार में छोटे हो जाएंगे। पर शुरू में अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो पत्तों का आकार कम नहीं होता है और पत्ते क्या करते हैं, ड्रूप करते हैं। ड्रूप क्या मतलब, जैसे उनमें जान नहीं है ना, ऐसे लगेगा दिन में उनको जान नहीं है और दूसरे दिन सवेरे फिर लगेगा कि नहीं, ये तो ठीक है, फिर वो उनमें लगेगा जान नहीं है। इसका मतलब अंदर जो है वो रूट रॉट का इन्फेक्शन है और ऐसे पत्ते और फिर पीड़े होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। तो अगर आप जड़े उनकी खास करके बरसात में, जैसे अभी जुलाई का महीना आएगा, तो आपको जड़ों के ऊपर ना व्हाइट कलर की एक इसका जो फफूंद है उसका कवक तंतु जो होते हैं, माइसीलियम होते हैं, वो नजर आने लग पड़ते हैं। और वो फिर आपके जब तक बरसात होती रहती है तब तक वो नजर आते हैं। उसके बाद जो है ऐसी जो जड़ें जिनके ऊपर ये होते हैं वो जड़ें जो है गहरे भूरे रंग की होकर सड़कर खत्म हो जाती है। और ये जो बीमारी है वो फीडल रूट से चलती है, जो छोटी जड़ें होती हैं वहां से चलती है और फिर बड़ी जड़ों के पास फिर तने तक आगे पहुंच जाती है। जब तने के अस्त तक पहुंच जाती है तो कंफ्यूजन होता है कि ये कॉलर रॉट है कि रूट रॉट है, ठीक है। तो हमारे को पीछे से देखना है जहां से फीडल रूट आ रही है कहां से जड़ सरकती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये देखेंगे तो इसका मतलब रूट रॉट है। तो आपने, और कई बार क्या होता है कि बड़ी जड़ों में भी ये चली जाती है और वहां पर एक बड़े मोटे मोटे जो इनके सफेद रंग के धागे होते हैं वो कई बार रीवन के आकार के भी हो जाते हैं। और ये फफूंद जो है वो स्क्रोशिया बनाती है। स्क्रोशिया का मतलब ये है कि मसर के दाने से लेकर सरसों के दाने और मसर के दाने के बराबर एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर, एक बड़ा माइसीलियम हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है। वो वैसे भी जीवित रहती है या माइसीलियम, और उसी से ही फिर आपके बगीचे में ये फैलने लगती है पानी के द्वारा। जहां पानी जाता है अगले पेड़ तक जाएगा तो उसके साथ वो पानी के साथ चल जाएंगे और अगले पेड़ को फिर आपको इन्फेक्ट करेंगे। तो आसपास के जो सारे पेड़ होते हैं उनको ये ऐसे 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 इफेक्ट करता हुआ, ऐसे ऐसे इन्फेक्शन करता हुआ सारे बगीचे में फैल जाता है। तो ये तो रूट रॉट का है। और कॉलर रॉट का है, कॉलर रॉट में क्या होता है कि जो तने के पास मिट्टी के साथ लगता हुआ ऐसा होता है, वहां से थोड़ा एक आधा फुट नीचे और एक आधा फुट ऊपर, वहां पर जहां पर बहुत सारी जड़ें निकलती हैं वहां से सड़न होती है। जो ऊपर की छाल होती है वही सड़ती है। उसमें क्या होता है कि अंदर की लकड़ी सड़ती है, बाहर की छाल बाद में सड़ती है, पहले अंदर की लकड़ी सड़ती है रूट रॉट में। तो कॉलर रॉट जो है तने के पास है, तो तने के पास भी वहां क्या होता है, ये जो आपकी छाल है या छाल से थोड़ा नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां की जो बाहर की छाल है वो सड़ जाती है। और जब वो सड़ जाती है तो चारों तरफ घेरा बनाती है। और छाल का क्या काम होता है, जो भी पत्ते भोजन बनाते हैं उसका एक सप्लाई का काम करती है छाल। तो जो भी पत्तों का भोजन है वो छाल द्वारा आपकी जड़ों को पहुंचता है, जिससे जड़ों को एनर्जी मिलती है और वो अपना काम कर पाती है। जो भी पानी खींचना है या फिर आपने जो न्यूट्रिशन डाली है उसको ले जाना है ऊपर तक, ये उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ मूव कर रही है, आपकी छाल में। जब वो छाल चारों तरफ से सड़ती है तो कई बार क्या होता है कॉलर रॉट में, गुलाबी कली वर्षा के बाद या तो ऐसे पौधे जो हैं खास करके जिनकी उम्र जो है
5 साल से लेकर 12 साल तक होती है, तब तक ये एक बड़ी ससेप्टिबल स्टेज है, बड़ी उस टाइम ये रोग ग्राही मन की अवस्था है। और उस टाइम जितने भी ये पौधे एकदम पिंक गुलाबी कली के बाद आपके विल्ट कर जाएंगे, या फिर अगर थोड़े बड़े हैं तो ये पत्ते जो हैं आपको पीले रंग के इनके पत्ते हो जाएंगे, और जो इनके बीच शराएं चलती हैं, जो शराएं चलती हैं ना बीच में, जो एक पत्ते के बीच में देखेंगे लाइनें सी होती है ना, और नीचे पत्ता जो है वो अपनी टहनी के साथ जुड़ा होता है, जिसको प्रोटियोल कहते हैं ना, डंडी जो होती है, वो जो होते हैं वो लाल होने लग पड़ते हैं, शिराएं और डंडी भी कई बार लाल होने लग पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं लाल होने जाती हैं और पत्ता पीला हो जाता है, तो इसका मतलब नीचे कॉलर रॉट का इन्फेक्शन है। और बरसात के बाद ऐसे पौधे जो है आप दूर से देख सकते हैं, उनमें जो पौधे हैं उनमें रेडिश जो है लाल से गुलाबी रंग की, गुलाबी नहीं बैंगनी रंग की जो छलक होती है पौधों के पत्तों की दिखाई देती है। तो आप कह सकते हैं कि ये पौधा जो है रूट रॉट से कॉलर रॉट से इन्फेक्टेड है। तो रूट रॉट हो गया, कॉलर रॉट हो गया, आपको ये मोटा मोटा पता लग गया कि ये बीमारी क्या है। और रूट बोरर में ऐसे नहीं होता, रूट बोरर में क्या होता है, पत्ते हरे रहते हैं आपके, दूर दूर हो जाएंगे टहनियों में, दूर दूर पत्ते हो जाएंगे, पत्तों की संख्या कम हो जाएगी, आकार छोटा हो जाएगा, हरे रहेंगे और दूर दूर हो जाएंगे। और जो शाखा है जहां पर रूट बोरर का नीचे वो उसने कुरेद रहा है नीचे जड़ों को, उस साइड वाली जो टहनियां होंगी, अगर बीच में खड़ो तो बीच वाली कोई साइड में जहां भी होगा, तो उसमें ये कट बन जाते हैं, टहनियों के ऊपर कट लग जाते हैं, कट ऐसे खुलेंगे जैसे कुल्हाड़ी की जोर जोर से आप मार दें तो कट लग जाता है, फिर वो खुल जाता है। और वहां पर भी कई बार बुलियाफिस जो है वो जीवित, बुलियाफिस के जो कीट हैं उन कट के अंदर भी जीवित रहते हैं, तो ये कट शो करते हैं, बताते हैं कि इसमें रूट बोरर का इन्फेक्शन है। तो आपको ये पता लग गया कि ये रूट बोरर है, ये कॉलर रॉट है, ये रूट रॉट है। अब ये कॉलर रॉट के लिए आपको देखो, अगर बीमारी है तो आप 15 जून के बाद, जैसे बरसात प्री मानसून या उसके साथ में ही, तो आप कार्बंडाजिम दवाई जो है 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से पौधे के दौर में एक फुट का या 1.5 फुट का, ये फुट की दूरी पर होल बनाते चले जाइए दौर में। दौर का मतलब जहां पर आप खादे डालते हैं, यहाँ पर फीडर रूट से थोड़ा पीछे या फीडर रूट के पास, वहां पर आप ये दवाई जो है 1 1 लीटर जो है हरेक उसमें होल में डालते चले जाएं, फिर 15 20 दिन के बाद फिर डालें, फिर 15 20 दिन के बाद फिर डालें, फिर पौधे में रिकवरी नोट करें कि रिकवरी कुछ है कि नहीं है, क्या हो रहा है पौधे में, आपको पता लगेगा। तो ऐसे आप जब करते चले जाएंगे तो रूट रॉट जो है वो उसके जो पौधा बताएगा कि इसमें रिकवरी हो रही है। दूसरा ये है कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या करें, इनमें डालें आप बायो कंट्रोल एजेंट, ट्राइकोडर्मा है या वैक्सीलस है, ये डालें। ये डालने के लिए जैसे 1 पैकेट जो है उसको एक ड्रम में डालिए, गुड़ डालिए, थोड़ा सा आप कोई भी बेसन डालिए और उसको फिर हिलाते रहिए, है ना, जो भी घोल है उसको 5 10 दिन लाएंगे, तो जो आपका ट्राइकोडर्मा है ये पूरा जो है उसमें फैल जाएगा। फिर उसको आप डालेंगे तो एक उसकी जो जमीन में जाकर उसमें जल्दी सेट होता है। और जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है आप जरूर देखें, जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो 0.5% से लेकर 1% तक होना चाहिए, उससे कम होगा तो ये बिल्कुल सेट नहीं होते। ये अगर 1% है या 0.75% है तो आपके जितने भी ये डालेंगे ये जल्दी पौधे पौधे के मिट्टी में जाके सेट हो जाएंगे, और ये एक लंबे टाइम तक इन रूट रॉट हो या कॉलर रॉट हो उन दोनों के लिए ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है लंबे टाइम तक असर देते हैं। और दूसरा ये है कि पानी का निकासी का ठीक प्रबंध ठीक करें, वो तो एक जनरल सी बातें हैं, घास ना होने दें पौधों में, पानी ना खड़े होने दें पौधों को, नाली बनाए पौधे से पौधे कभी पानी ना दें, मतलब बीच में नाली बनाए या प्लास्टिक पाइप का यूज करें, और पीएच अगर बहुत डाउन है तो पीएच को जरा थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें। नीम के एक डाल सकते हैं आप, ये कुछ मतलब कि गोभी के पत्ते भी जो है वो भी सड़ा के उसमें डाल सकते हैं। तो ये कुछ जनरल सी बातें हैं जो मतलब कि इसमें काम करती हैं, पर जो केमिकल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड,
या फिर ऑरियो फंजी, ऑरियो वो भी वो एंटीबायोटिक खाता था, पर वो एंटीबायोटिक आज चला नहीं रही है, ऑरियो फंजिन, और उसमें कॉपर सल्फेट डाल के हम करते थे 40 40 ग्राम दोनों 100 लीटर पानी के घोल में डालकर, तो वो आजकल हम मिलती कम है, अदरवाइज वो भी इफेक्टिव है, इसके लिए रिकमेंडेड है, अनुमोदित है। और कॉलर रॉट में जो है, कॉलर रॉट में जब आपने पौधा लगाना है तो उसकी जो ग्राफ्ट यूनियन है वो जमीन से कम आपकी जो है ऊपर होनी चाहिए, ऊपर मतलब कि 20 से 25 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर तो कम से कम ऊपर होनी चाहिए। वो नहीं कि उसको जमीन में दबा दिया तब भी आपके जो कॉलर रॉट का इन्फेक्शन है जल्दी होता है। दूसरा ये है कि उसमें भी आप निकासी का प्रबंध ठीक रखे, पानी ना खड़ा हो, क्योंकि कॉलर रॉट में पानी जो है खड़ा हो गया, इसकी जो फफूंद है फाइटोप्थोरा, ये भी फफूंद से होता है, उसके जो बीजाणु है तब तक इन्फेक्शन नहीं करते जब तक वो आधे घंटे के लिए पानी के ऊपर तैरते नहीं। तो जहां पहले ये पानी के ऊपर तैरेंगे, अगर पानी वहां खड़ा है तो उसके बाद उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि पानी के ऊपर तैरेंगे, तब ये फिर अंदर तने की छाल में घुसेंगे। तो तने के आसपास या तो उसको छेड़े ना, या वहां पानी खड़े होने का बिल्कुल वो करें, या वहां की मिट्टी निकाल के कोई रेता रूता डाल दें कि पानी वहां खड़ा ना हो सके। तो आपने क्या उसकी कंडीशन जो है उसकी खत्म कर दी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी बीमारी पैदा करने वाले की वो खत्म हो गई, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस जो है बिल्कुल कम हो जाएंगे। बाकी बायो कंट्रोल एजेंट डालिए, और इसके लिए रेजिस्टेंट रूट स्टॉक्स है ना, M4 है, MM115 है, M9 है, ये सारी MM111 भी काफी हद तक रेजिस्टेंट है। तो ये आप ऐसी रूट स्टॉक 106 ना लगाएं, क्योंकि 106 जो है वो ज्यादा ससेप्टिबल रोग राई किस्म है, इसके लिए रूट स्टॉक है। तो वो भी वैसे भी अगर आप प्रबंध कर सकते हैं, आप बीमारी आती है तो फिर आप राइडोमिल MZ है, सामोक्सीमिल MZ है, मैनकोजेब है, मैनकोजेब प्लस सामोक्सीमिल है, ये आप जो दवाइयां हैं ये आप 3 ग्राम 1 लीटर का घोल बनाकर तने के आसपास डाल, तने के आसपास मतलब कि ये है 15 20 जो सेंटीमीटर है नीचे चले जाएं, और मतलब कि दवाई जो है 15 20 सेंटीमीटर नीचे चली जानी चाहिए। तो इतनी दवाई आपने तने के पास 1 1.5 फुट के एरिए में डाल दी कॉलर रॉट की। और इन बीमारियों के लिए आप अप्रोच ग्राफ्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि सर्दियों में अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही खराब हो गई है जड़ें, तो वहां पर पाले लगाएं, अगर ज्यादा खराब है तो 2 दिन पाले लगाएं, अगर कम खराब है शुरू में 2 पाले से भी चल जाएगा 3 लगा दें, और गर्मियों में मई जून में आप इनको अप्रोच करें जिससे कि पौधों को एक्स्ट्रा जड़ मिल जाए। अगर आपको पता नहीं लगता है कि कॉलर रॉट है या रूट रॉट है तब आप कैब्रियोटॉप का प्रयोग करें, है ना, कैब्रियोटॉप जो दवाई है वो 2 ग्राम 1 लीटर के पानी में घोलकर तने के आसपास और दौर में भी डालें। और ये जो कॉलर रॉट के लिए दवाई जो डालनी होती है खास करके, ये आप पिंक वर्ड की अवस्था से बाद 2 3 बार, या कभी भी लक्षण दिखाई देते हैं तब भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टेमिक है, और अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग के बाद इन दवाइयों का प्रयोग जो है कॉलर रॉट के लिए कर सकते हैं। तो कॉलर रॉट रूट रॉट का जो प्रबंधन है ऐसे आप कर सकते हैं। और जो रूट बोरर है उसको तो ये है कि आपको जैसे अभी बरसात शुरू हुई है, बरसात शुरू होने कम से कम कोई 15 अगस्त के आसपास इसके जो अडल्ट हैं बीटल हैं भिंग जो है वो निकलते रहते हैं, वो नर और मादा निकलते हैं, वो आपस में मेट करते हैं फिर अंडे देते हैं, और अंडे जो है वो आपके 4 से 7 हफ्ते के बाद अगली स्टेज में जाते हैं जिसको कहते हैं लार्वा। तो लार्वा जो स्टेज होती है वो ही एक डैमेजिंग स्टेज है ना, वो ही आपकी जड़ों को बर्मे की तरह पुरोती रहती है और खाली कर देती है। जब वो खाली कर देती है तो ये 3.5 साल तक इनका कार्यक्रम चलता रहता है, ये लार्वा जो है 3.5 साल जमीन में रहते हैं आप जड़ों को, फिर ये अगली स्टेज में जाते हैं प्यूपा स्टेज में, और कुछ ही दिनों के बाद फिर ये अडल्ट बन के द्वार पड़ते हैं और फिर अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद फिर मर जाते हैं, ये इनका प्रोग्राम रहता है। और ये लाइट के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो कभी भी आजकल अपने बगीचों में जो अपने घर बनाए हुए हैं या बगीचों में घर हैं तो बाहर की लाइट ना ऑन रखें, नहीं तो ये जो है ज्यादा जल्दी फैलेंगे, वहीं आएंगे, वहीं अंडे देंगे, सारे एरिया के आपके उसमें आ जाएंगे। तो कम से कम 15 अगस्त तक बाहर की लाइट कंटिन्यूसली लगातार उसको ऑन ना रखें, उसको बीच में अगर जरूरत है तो जलाएं, नहीं तो उसको बंद रखें,
नहीं तो ये सभी वहीं आएंगे और सभी आपके बगीचे में ही अंडे देंगे और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बन जाएगी। एक तो ये है लाइट के लिए, दूसरा लाइट ट्रैप लगाएं आप अपने बगीचे में। लाइट ट्रैप एक तो लगा सकते हैं, एक तो बने बनाए आते हैं, दूसरा आप एक ड्रम लेते हैं, ड्रम के बीच में थोड़ा ऊपर से थोड़ा हल्का बीच में उसमें एक बल्ब लगाइए और नीचे आप क्लोरोपाइरीफॉस डाल के पानी में डाल दीजिए। जैसे ये आएंगे और नीचे ड्रम में गिरेंगे और क्लोरोपाइरीफॉस में गिर के ये मर जाएंगे। तो ये आप दूसरा उनको खत्म कर सकते हैं कि आपके वाहन अंडे न दे। अगर इन्होंने अंडे दे भी दिए बाई चांस तो आप क्लोरोपाइरीफॉस डस्ट आती है या कानूडोन डस्ट आती है, ये जो डस्ट है 200-250 बड़ा पौधा 300 ग्राम तक उसके दौर में डालिए कि जैसे ही ये अंडे उसके कंटेक्ट में आए और ये अंडे की अवस्था में ही मर जाए, आगे वाली अवस्था जो है जो इसकी लार्वा उसमें ना जाए। तो ऐसे आपने इसको नियंत्रण में, मतलब कि लार्वा नहीं बनने देना है। लार्वा बन गया तो ये फिर जो अवस्था अगली जो है अगली अवस्था में चला जाएगा और फिर जब ये जड़ों के बीच में चला जाता है फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर आप ड्रंचिंग करेंगे क्लोरोपाइरीफॉस की, काफी बड़ी काफी मात्रा में ड्रंचिंग करना पड़ती है, पानी वहां खड़ा रखना पड़ता है और इसकी मात्रा जो क्लोरोपाइरीफॉस की वो भी ज्यादा डालना पड़ती है। जैसे 1 लीटर 200 पानी 200 लीटर पानी में या 800 ml 200 लीटर पानी में तन्ने के आसपास ही ये दवाई का आपने ड्रंच करना है। और इसमें आप मेटाराइजम वेरिया जो है जो इसके इंसेक्ट के ऊपर जो है इसकी लार्वा के ऊपर ग्रो करते हैं और उसके ऊपर ग्रीन कलर की जो है वो एक लेयर बना देते हैं और इसको इस लार्वा को मार देते हैं। उसका भी लॉन्ग टर्म के लिए आपने प्रयोग करना है, जैसे हम ट्राइकोडर्मा कर रहे थे वैसे इसमें। और इसमें भी आपने जैसे आपको पता लग गया है कि रूट बोरर है तो जहाँ की छाल ठीक है उस साइड आप अप्रोच ग्राफ्टिंग करिए, ब्रिज ग्राफ्ट करिए, उसमें पाड़े लगा के और उसको अगले साल मई में उसको ग्राफ्ट कर दी ताकि जब तक आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसको किसी एक्स्ट्रा जड़ से इसको न्यूट्रिशन जो है, जैसे हम ड्रिप लगा देते हैं बीमार है तो उसको ड्रिप लगा दो। ड्रिप का मतलब यह है कि जब तक आप भोजन नहीं खा रहे हैं तो वहां से आपको खुराक मिल रही है, तो वैसे ही जड़ हम इसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। ऐसे करके हम अपने बगीचों में चाहे रूट रॉट हो, कॉलर रॉट हो, चाहे फिर आपका ये रूट बोरर हो, इनकी पहचान करके कुछ सावधानियां बना के हम इनको नियंत्रण में रख सकते हैं।